उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में शराब की दुकान का विरोध, शराब पीकर करते हैं छेड़छाड़, लगाया जाम। आपको बताते चले, साऊ रामस्वरूप डिग्री कॉलेज और लोहा मंडी के आसपास के क्षेत्रवासियों ने शराब की दुकान का किया विरोध। शराब पीकर शराबी करते हैं लड़कियां महिलाओं से छेड़छाड़, इसके विरोध में क्षेत्रवासियों ने लगाया जाम। संगीता जायसवाल ने कहा, देशी शराब की दुकान खोली हुई है, यहाँ से 40 कदम की दूरी पर कॉलेज है और 60 कदम की दूरी पर मंदिर है। आए दिन यहाँ शराबी शराब पीकर और हुड़दंग मचाते हैं, लड़कियों का निकलना दुवर हो गया है। अब शब्दों का प्रयोग करते हैं शिल्पी सिंह। हमारी अपनी दुकान है, हमारी अपनी शॉप है, यहाँ पे बहुत गंदी गंदी गाली देते हैं, हम लोग भी निकल नहीं पाते हैं और मार्केट के अंदर मार्केट में भी बहुत घुस हम लोग भी इसलिए निकल नहीं पाते हैं कहीं पे। किस किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? बहुत ज्यादा गंदी गंदी गाली देते हैं, लड़कियों को छेड़ते, कोई स्कूल की लड़के भी नहीं निकल सकते। समस्या यही सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या हम ये चाहते हैं भट्टी बंद हो जाए। बदतमीजी करते हैं, बहुत ज्यादा बदतमीजी करते, बड़ी हो छोटी हो कोई किसी को नहीं छोड़ता यहाँ पे। और कहो तो कहते हैं तुम क्या कर लोगी, कह रहे हैं कि। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी, क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? समस्या जी आ रही है, बच्चे लड़कियाँ हैं हमारी, जाती हैं कॉलेज स्कूल जॉब पे, लड़के यहाँ खड़े होते हैं पीते हैं, हम लड़कियों से टकराते हैं, अगर लड़कियाँ कुछ बोलती हैं तो कहते हैं क्या कर लोगी, माँ बहन चोदते हैं वहाँ पे। बताओ निकले नहीं, एक जे इतनी सी रास्ता है हम लोग को वहाँ लोगों की निकलने की, कोई रास्ता नहीं है। और ये रास्ता भी शराबियों ने घेर ली है, अब आप बताओ कहाँ से जाएं निकल के। हम परसों मेरी बेटी को छेड़ा, उसने गालियां पकड़े बाकी, फिर वो घर जाकर बहुत रोई, तब जी हम लोगों ने बंद कराने का करा है, वरना अपने घर जाके पियो ले जाके, वरना भट्टी बंद करो, हमें यहाँ बिल्कुल भट्टी नहीं चाहिए। साव गोपीनाथ कुमारों में, जो हम कुमारों में के ये सब। यस जयसवाल, ये मैं यहीं का रहने निवासी, ये हमारी पूरा बिजनेस ठप हो गया, पूरा लेडीज बिजनेस है हमारा, पार्लर है। किस कारण हुआ था ये? पूरा कारण सब पीने के हिसाब से, यहाँ पे पूरा इनने कैंटीन बना रखा है। दूसरी बात, इनकी इनका लाइसेंस जो है बांस मंडी का लाइसेंस है, ये श्यामतगंज के एरिया में कैसे खुल सकती है? देसी शराब का लाइसेंस इन्हें। और पहली बात तो यहाँ पे दो गर्ल्स इंटर कॉलेज है और सरकार की हिसाब से 100 मीटर के हिसाब से दूरी होनी चाहिए, और जब नापा गया तो ये पूरा 41 मीटर है। और छेड़छाड़ अभी तो दो बार छेड़छाड़ हुई है, वो भी लगातार दो बार छेड़छाड़ हुई है, बिल्कुल वो भी यहीं पे। शराब पी के करते हैं सब, यहीं पे बैठ के पीते हैं, यहीं पे सामने ये मार्केट है, सामने ठेले में बैठ के शराब बनाते हैं, वो भी पूरे दिन, शाम को भी नहीं, सुबह भी, पूरे दिन, दोपहर शाम, पूरा टाइम, पूरा मार्केट बर्बाद है इसकी वजह से। हमारा खुद की दुकान है, ये दुकान हटनी चाहिए और तुरंत हटनी चाहिए ये दुकान, ये लाइसेंस कैसे करना चाहिए प्रशासन से, हमारा ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ये पूरी दो साल से हम झेल रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? संगीता जायसवाल। समस्या ये जो शराब की दुकान खुली है, यहीं पर हमारा मार्केट है, हमारी खुद की दुकान है 4-5, और यहाँ पे सब हमारे लेडीज काम है, हमारा पार्लर है, दुकान है, सब लड़कियाँ हैं, हमारा स्टाफ है 4-5 लड़कियों का, अभी आज 28 साल पुराना हमारा काम है, हमारा दुकान बंद करने की नौबत आ गई, ग्राहक आ ही नहीं रहा। अरे शराबी भाई मार्केट में घुस जाते हैं, आप क्या चाह रही हैं? ये दुकान यहाँ से बंद होनी चाहिए, ये और ये कटी गुइया का सर लाइसेंस है यहाँ पे, और यहाँ पे लाइसेंस अंदर पिलवा रहे हैं, पूरी कैंटीन है।